अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंदोसा। अगर आपको ये बंदोसी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं। मैं बना रही हूँ बंदोसा। उसके लिए मैंने यहाँ 3 कप राइस और 1 टीस्पून मेथी दाना भिगा दिया है। इसे मैंने सुबह भिगाया था, 5 से 6 घंटे हो गए हैं। और उसके साथ मैंने 1 कप नारियल, कच्चा नारियल लिया है। और उसके साथ ये 3 गिलास राइस है तो 1 गिलास पोहा लिया है। इसको भी अच्छे से सोक कर देंगे। पोहे को मैंने 2 पानी से धो लिया है, ये अच्छी तरह से भीग चुका है। अब चलिए पीसते हैं। भीगे हुए राइस, कच्चा नारियल और पोहे को एक साथ मिलाकर पीस लेंगे। ये लास्ट बैच भी हो चुका है। अब इसमें डालकर मिक्स करके रख अच्छे से मिक्स करके इसे रात भर के लिए ढककर रख दीजिए। चटनी के लिए मैंने लिया है नारियल, हरी मिर्च, मूंगफली, 8-10 लहसुन की कलियां और भुना हुआ चना। चलिए पीसते हैं। चटनी को मैंने पीस लिया है, अब इसे तड़का देंगे। अब बनाएंगे चटनी का तड़का। इसके लिए मैंने तवा तवा जब गर्म हो जाए तो उसमें तेल ऐड कर देंगे चटनी के लिए, तड़के के लिए। इनको लो ही रखेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं राई। थोड़ा सा जीरा। साथ ही ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। अब चटनी में हमने नमक नहीं ऐड किया था इसलिए अब नमक भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को बंद कर दो और तड़के को चटनी में ऐड कर दो। अब ये देखिए हमारा ये कितना अच्छा फर्मेंट हो चुका है। ये दिखाती हूँ इसकी जाली, कितने अच्छे से जालीदार हुआ है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। जितना आपको बनाना है उतना ही निकालिए, बाकी का फ्रिज में रख दीजिए। जब चाहें आप बना सकते हैं, 3-4 दिन ये खराब नहीं होगा। बस मुझे अब इतना ही बनाना है तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना। और थोड़ा खाने का सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी के मीठा सोडा। बस अब इन चीजों को मिलाकर हम बनाएंगे अपना डोसा, बंद डोसा।
ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता का तड़का भी लगा सकते हैं, जिससे ये और टेस्टी लगेगा। चलिए बनाते हैं। अब बनाएंगे हम डोसा। इसके लिए मैंने ये डीप कढ़ाई ली है, कढ़ाई जितनी डीप हो उतना ही अच्छा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन करते हैं। चलिए डोसा बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे और अपना बैटर ऐड करेंगे। बैटर डाल देंगे। दो कटी भर कर पाल इसे ढक कर पकाएंगे। अब देखते हैं दो चार मिनट के बाद थोड़ा सा साइड से तेल और इसको पलट देते हैं। और इस साइड से भी थोड़ी देर सूखने देते हैं। अब हम इसको निकाल देते हैं। फिर से थोड़ा ऑयल डालेंगे, फिर से डोसा डालेंगे। ये देखिए दोनों साइड से सिक चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये देखिए डोसा रेडी हो चुके हैं। एक आप उनको तोड़कर भी दिखाती हूँ। कितने जालीदार बने हैं, स्पंजी। आप इसे जरूर ट्राई करें। ये है सारा, मेरी भतीजी। अब ये बताएंगी खा करके कैसा बना है। It's so yummy.